नमस्कार, मैं हूं जुम्खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सतर्कता समिति की बैठक में जमकर हुई बहस, कुछ मामलों का हुआ निपटारा। विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटा प्रशासन, पुलिस कर्मियों को दिया प्रशिक्षण। दो दिवसीय जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने का संकल्प। शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर कई कार्यक्रम, नौजवान सभा ने निकाली रैली। अब समाचार विस्तार से। जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की मीटिंग में कई लंबित प्रकरणों पर चर्चा हुई। इनमें से कुछ मामलों का निपटारा भी किया गया। एडीएमबीएल महेड़ा की अध्यक्षता में हुई करीब 2.25 घंटे की बैठक में कुछ वकीलों ने अधिकारियों के साथ जमकर बहस की। स्वयं सहायता समूह द्वारा भैंसों के लोन में गड़बड़ी का मामला हो, या फिर सरकारी दफ्तरों में फाइलों की सुरक्षा का, या फिर हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक शाखा पल्लू में लाखों रुपयों के गबन का ही मामला क्यों न हो, खूब बहस हुई। मौका था कलेक्ट्रेट सभागार में जिला जन अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक का। एडीएमबीएल महेड़ा की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 63 लंबित प्रकरणों पर चर्चा हुई। एसडीएम करतार सिंह पुनिया, एएसपी जसाराम बोस सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मीटिंग में मौजूद थे। वरिष्ठ अधिवक्ता हेतराम धारणिया और पेंशनर समाज के देवकी नंदन चोटिया सरीखे समाज सेवी भी कुछ मामलों को लेकर पहुंचे। उन्होंने संबंधित मामलों में अपना पक्ष मजबूती से रखा और सरकारी कामकाज के तौर तरीकों पर सवाल उठाए। एडीएमबीएल महेड़ा ने उन मसलों को गौर से सुना और संबंधित अधिकारियों को उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। एडीएम ने कहा कि समिति में लंबित प्रकरणों की सुनवाई में किसी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए पुलिस और प्रशासन ने भी तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस लाइन में उप जिला निर्वाचन अधिकारी पीएल महेड़ा व एएसपी जसाराम बोस ने पुलिस कर्मियों को ईमानदारी से ड्यूटी करने की नसीहत दी। जिला मुख्यालय पर विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण के दौरान एडीएम बीएल महेड़ा ने कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन न हो, इसके लिए पुलिस कर्मी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करें। एडीएम ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव करवाना हम सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि 1 अक्टूबर के पहले सप्ताह में आचार संहिता लगाने की संभावना है। इसके बाद प्रत्याशियों के खर्च पर पुलिस भी नजर रखेगी। उन्होंने बताया कि एक प्रत्याशी चुनाव में सिर्फ 16 लाख रुपए ही खर्च कर सकता है। इस दौरान यदि कोई प्रत्याशी या उसके समर्थक आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर मास्टर ट्रेनर मदनलाल अरोड़ा ने पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण में हेड कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी शामिल हैं। हनुमानगढ़ के अधिकारियों को चुनाव संबंधी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें हेड कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी हैं। इसमें इस बार जो इलेक्शन में व्यवस्था की जा रही है उसके संदर्भ में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके साथ पोस्टल बैलेट का एक नया व्यवस्था की गई है, उसमें सभी कर्मियों को पोस्टल बैलेट के माध्यम से जिस विधानसभा में उनका वोटर लिस्ट में नाम है वहाँ ये वोटर का प्रयोग करेंगे। इस बार जो व्यवस्था की गई है जिला पुलिस हनुमानगढ़ में, हर स्तर पे पुलिस अधिकारियों की व्यवस्था है, जहाँ शांतिपूर्ण मतदान करने में एवं भयमुक्त मतदान करने में कारगर सिद्ध होगी। इस मौके पर एएसपी जसाराम बोस ने बताया कि विधानसभा चुनाव में हनुमानगढ़ जिले में पहली बार 4763 पुलिसकर्मी डाक मत से मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनकी सूची प्रशासन को सौंपी गई है। इसमें पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। कुल 4763 पुलिसकर्मी अधिकारियों की हमने राज्य सरकार से मांग की गई है, उसी के अनुरूप राज्य सरकार की तरफ से जो फोर्स उपलब्ध कराई जाएगी उसी के अनुरूप हमारी व्यवस्था होगी। आध्यात्मिक गुरु चैतन्य हनुमानगढ़ पहुंचे। वे टाउन स्थित भटनेर पैलेस में 28 सितंबर से ध्यान योग साधना शिविर शुरू होगा। प्रवक्ता नरेंद्र मोहन गुप्ता के मुताबिक रोजाना सुबह और शाम 5:30 से 8 बजे तक शिविर लगाया जाएगा। टाउन स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में राजस्थान पंचायती राज कर्मचारी संघ की ओर से शैक्षिक सम्मेलन शुरू हुआ। दो दिवसीय सम्मेलन में शिक्षकों ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। राजस्थान पंचायती राज कर्मचारी संघ जिला शाखा हनुमानगढ़ का दो दिवसीय जिला स्तरीय
शैक्षणिक सम्मेलन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय टाउन में प्रारंभ हुआ। इस मौके पर गुरमेल सिंह शाहपेनिक ने अध्यक्षता की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी तेजा सिंह गदराणा थे। सम्मेलन में शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, समाज व देश के लिए अच्छे नागरिक तैयार करने के लिए शिक्षक के दायित्व पर चर्चा हुई। जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। हमारा भी राजस्थान पंचायती राज कर्मचारी संघ का जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन आज इस राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 हड़वानगढ़ टाउन में आयोजित किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि हमारे बीओ तेजा सिंह जी गदराणा उपस्थित हैं। कार्यक्रम के हमारे आज का जो शिक्षा स्तरीय जो शिक्षक सम्मेलन है, इसमें जो मुख्य बिंदु हैं वो शिक्षा के स्तर को किस तरीके से हम गुणवत्तापूर्वक आगे और बढ़ा सकें, किस तरीके से निजीकरण के प्रतिस्पर्धा के अंदर हम इस राजकीय विद्यालयों को लाया जा सके, और शिक्षा के लिए इस शिक्षक की जो भूमिका है उसमें हम किस तरीके से देश और समाज के लिए अच्छे नागरिक तैयार कर सकें। जिस तरीके से आज देश में अराजकता का माहौल फिर बना हुआ है, उस माहौल को किस तरीके से एक शिक्षक की भूमिका अदा करते हुए हम किस तरीके से अलग कर सकें, बच्चों को कैसे बढ़िया और देश के लिए एक अच्छे संस्कारित नागरिक बना सकें, इन्हीं विषयों पर आज हमारा चर्चा की गई है। समाचार अभी और भी अधिक करें दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे MSc, MA, BCA, BBA, BSc, BCom, BA। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूँ। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई। सिमरनजीत कौर, फर्स्ट ईयर आई स्कोर 80% मार्क्स, एंड फॉर दिस आई वुड लाइक टू थैंक फॉर बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज। द एनवायरमेंट ऑफ दिस कॉलेज इज वेरी लर्निंग एंड आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ ड्यूरिंग दिस 2 ईयर्स। कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैल्विनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैंस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल, बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं, और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCDs और वॉशिंग मशीनें, माइक्रोवन, होम अप्लाइज जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर, और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़। शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर आज जिले भर में कई कार्यक्रम हुए। भारत की जनवादी नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली व भगत सिंह चौक पर सभा का आयोजन किया। देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर आज भारत की जनवादी नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। टाउन स्थित जनशक्ति भवन से शुरू हुई रैली में कार्यकर्ताओं ने DYFI जिंदाबाद, शहीद भगत सिंह अमर रहे के नारे लगाए। रैली जंक्शन में भगत सिंह चौक पर आकर सम्पन्न हुई। इस अवसर पर सभा का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने देश की आजादी में शहीदों के बलिदान को महत्वपूर्ण बताते हुए उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने का आह्वान किया।
जंक्शन से सेक्टर नंबर 6 में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन स्वामी अकामानंद महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा के महत्व का विश्लेषण किया। कथा दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलती है। जंक्शन स्थित सेक्टर नंबर 6 में श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। भागवत कथा के दूसरे दिन कथा का शुभारंभ नवीन त्यागी ने किया। कथावाचक श्री 1008 स्वामी अकामानंद जी महाराज ने राजा परीक्षित की कथा सुनाई और कहा कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से ही राजा को मोक्ष की प्राप्ति हुई। स्वामी जी ने ईश्वर की भक्ति करने की बात संगत में कही। कथा का समापन 30 सितंबर को होगा। कष्ट होता है अगर तुमने ये मकान को मेरा मान लिया, अपना मान लिया, मेरा है, तो इस मकान को छोड़ने में तकलीफ होगी। मेरे बेटा बेटी पति पत्नी जो भी तुमने माने ये मेरे हैं, तो इनको छोड़ के जाने में फिर कष्ट होता है। तो जाया सुता किसु सदा ममता में मुंचो। आपको क्या करना है अगर सुखी रहना है तो एक रास्ता है जाया सुता दिशु। बस स्टैंड में रेडी लगाने से ठेकेदार द्वारा रोके जाने पर आज रेहड़ी वालों ने नगर परिषद कार्यालय में जमकर प्रदर्शन किया और ठेकेदार द्वारा लगाई गई रोक को वापस लेने की मांग की। ठेकेदार द्वारा बस स्टैंड में रेहड़ी लगाने वालों को मना करने पर आज सभी रेहड़ी वालों ने सीटू के नेतृत्व में नगर परिषद कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। रेहड़ी वालों का कहना है कि ठेकेदार द्वारा हर रोज उनसे 60 रुपए की वसूली की जाती है। ठेकेदार द्वारा बिना कोई नोटिस जारी किए उन्हें वहां से हटा दिया गया, जिससे रेहड़ी वालों में काफी आक्रोश है। रेहड़ी वालों ने जल्द ही नगर परिषद से इस समस्या के समाधान की मांग की। नगर पालिका ने जी हमें लिखित में कोई ज्ञापन वगैरह नहीं दिया। इन्होंने कहा जी परमानेंट के लिए आपकी रेडी बाहर काट दी है और इन्होंने कहा भी अब जो रेडी अड्डे के अंदर लगाएगा उसका हम नुकसान कर देंगे, उसका वो खुद जिम्मेवार होगा। हम जो रेडी लगा रहे हैं हमसे ये ठेकेदार है ये 60 रुपये वसूल कर रहा है। गरीब आदमी क्या कमाएगा और क्या खाएगा जी। ठीक है जी। और जो बस वाले हैं इनसे 10 रुपये पर्ची ली जा रही है और जी हमें कोई व्यवस्था नहीं है जी। जब जी करता है जब बजा देते हैं, जब जी करता है रेडी लगवा देते हैं जी। अगर हम इन्हें 60 रुपये देते हैं तो रेडी लगा सकते हैं, अगर नहीं दे सकते तो जी हम बस स्टैंड के अंदर रेडी नहीं लगा सकते। 60 रुपये डेली हमसे ठेकेदार लेता है, नहीं देने की वजह से हमें रेडी नहीं लगाने दी और मजदूर आदमी बड़ी दिक्कत से टाइम पास करने वाले आदमी हैं जिनको सबको खदेड़ दिया गया, इसलिए हम अब यहाँ प्रशासन के आए हैं नगर परिषद में। इनने भी हमें कोई खास ठोस आश्वासन नहीं दिया है। जंक्शन से दुर्गा मंदिर धर्मशाला में आज एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान जन्माष्टमी उत्सव में भाग लेने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। दुर्गा मंदिर धर्मशाला परिसर में हर वर्ष जन्माष्टमी पर्व बड़े उत्साह व श्रद्धा से मनाया जाता है। इस उत्सव में शहर के अनेक स्कूलों व विभिन्न संस्थाओं से जुड़े बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार की झांकियों का प्रदर्शन किया जाता है। आज धर्मशाला प्रांगण में एक कार्यक्रम का आयोजन कर जन्माष्टमी उत्सव में भाग लेने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। समिति अध्यक्ष कमलेश लखोटिया, उप सभापति कालूराम शर्मा, वीरेंद्र गोयल, चिमन मित्तल, अशोक नारंग, महेश जसूजा आदि ने सरस्वती स्कूल, शिवम डांस अकेडमी सहित अनेक संस्थाओं के बच्चों को पुरस्कृत किया। हर साल जो जन्माष्टमी मनाई जाती है उसको मनाया जाता है, उसमें जिन बच्चों ने यहाँ झांकियाँ बनाने में सहयोग किया था, स्कूलों द्वारा जो सहयोग किया गया था, आज सभी बच्चों को उनको सम्मानित किया गया है। क्योंकि आयोजन अपना बहुत ही सफल गया था, इस वजह से जिन बच्चों ने अपना इतना कीमती समय दिया उनको आज सबको सम्मानित किया गया है। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। Thank you.
के उपलक्ष में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और श्याम बाबा के जयकारे लगाए। जय श्री राम परिवार कला मंडल के वार्षिक महोत्सव के उपलक्ष में श्याम बाबा की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा नई धान मंडी स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर से शुरू हुई। यात्रा का कई जगह पुष्प वर्षा से अभिनंदन किया गया। श्याम महोत्सव के तहत 27 सितंबर को जागरण, 28 सितंबर को नानी बाई रो माई रो व 29 सितंबर को अखंड ज्योति पाठ का आयोजन किया जाएगा। भवन की मांग जोर पकड़ने लगी है। मिथिला सेवा समिति ने वार्ड नंबर 35 में मिथिला भवन बनाने की मांग को लेकर नगर परिषद के ईओ सुमन राठौर को ज्ञापन सौंपा। मिथिला सेवा समिति हनुमानगढ़ टाउन के सदस्यों ने अध्यक्ष बलदेव दास के नेतृत्व में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ईओ सुमन राठौर को आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उनकी विभिन्न मांगे थी, पूर्वांचल व मिथिला भवन हेतु भूमि आवंटित करने, वार्ड नंबर 35 में कच्ची सड़कों को पक्का करने व सफाई व्यवस्था पर ध्यान देने, पूरे नगर में फोगिंग मशीन चलाने व सामुदायिक भवन के निर्माण शुरू करने आदि समस्याओं के समाधान की मांग की गई। मिथिला भवन और पूर्वांचल भवन के लिए भूमि आवंटन का है। इसके अलावा वार्ड नंबर 35 में सामुदायिक केंद्र का टेंडर लगभग 8 से 10 बार हो चुका है, परंतु वहाँ पे सामुदायिक केंद्र का निर्माण अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इसलिए हमारी मांग है कि वहाँ सामुदायिक केंद्र वार्ड नंबर 35 मिथिला कॉलोनी में बनाया जाए। इसके अलावा अयोध्या डिग्री और मिथिला कॉलोनी के बीच में एक संपर्क मार्ग जो पगडंडी के रूप में है, हमारी ये मांग है कि उस सड़क को वो बनाया जाए। वार्ड 32 में सीसी रोड के निर्माण कार्य की शुरुआत हो गई। यह सड़क लंबे समय से क्षतिग्रस्त थी। वार्ड 32 में लंबे समय से सीवरेज के कारण सड़क क्षतिग्रस्त थी, जिससे वार्ड वासियों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। आज वार्ड पार्षद रवि जैन ने सीसी रोड के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस सड़क के निर्माण पर करीब 8 लाख रुपए की लागत आएगी। वार्ड नंबर 32 के अंदर मोगा पीसी और कुमारों के मोहल्लों में काफ़ी समय से सीवरेज कारण सड़कें क्षतिग्रस्त थी, उसका आज प्रारंभ किया गया है। 8 लाख रुपए की लागत से ये सड़क है और जो भी मोहल्लों में बरसात में पानी भर जाता सीवरेज के कारण बहुत परेशानी हुई, इन सबको ध्यान में रखते कार्य हो रहा है। पार्षद ललित जैन ने जो भी समस्या थी उसके अकॉर्डिंग इसको व्यवस्था करा के अपने देख रेख में इसको कार्य प्रारंभ करा रहे हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।